नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और आप देख रहे हैं बिंटू की नज़र। जिले भर में कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है और कोरोना के स्पेशल वैक्सीन सेंटर बनाकर वहां पर वैक्सीन वगैरह लगाए जा रहे हैं। जिले में जिला कलेक्टर के अनुसार करीब 7 वैक्सीन सेंटर बनाए हैं। कल शनिवार कोविड टीकाकरण का शुभारम्भ किया गया था। आज हम नारायणपुर के जो चिकित्सा प्रभारी हैं इंद्रदेव यादव, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नारायणपुर में कोविड टीकाकरण को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, कब से यहाँ टीकाकरण शुभारंभ किया जाएगा, कब से यहाँ उद्घाटन होगा उस टीकाकरण का। सर, सबसे पहला सवाल जो है, अभी जिले भर में कोविड टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो गया है, नारायणपुर में कब से कोविड टीकाकरण का शुभारंभ होने जा रहा है? देखिए, अभी राज्य सरकार द्वारा जो चिन्हित जगह हैं वहाँ पे टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। अभी थानागाजी तहसील में थानागाजी CSC और नारायणपुर CSC पे अभी संभावित तिथि नहीं आई है, तो जब भी वो तिथि आएगी संभवतः उसको लास्ट वीक के एंड तक आ सकती है, तो जब भी वो तिथि आएगी आपको बताया जाएगा उसके बाद। सर, अभी कोविड टीकाकरण को लेकर किस तरह की स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां वगैरह की जा रही हैं? जैसे स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां संपूर्ण कर ली गई हैं, कुछ चिन्हित जगहों पर टीकाकरण हो भी चुके हैं, उनके कोई इतने मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए हैं। जो टीकाकरण में जो नॉर्मली बुखार आना, ये नॉर्मल होता है टीकाकरण के बाद, यही नॉर्मल सिम्टम्स आए हैं। ये टीकाकरण बिल्कुल सेफ है, डॉक्टर्स पहले अपने लिए लगा रहे हैं, ये जो अपने स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, आपने न्यूज़पेपर अखबार में भी पढ़ा होगा, ये लोग की भ्रांति जो दूसरे लोग फैला रहे हैं उसमें ना जाएं। और टीकाकरण अभी जो डॉक्टर्स अपने ऊपर लगा रहे हैं तो ठीक ही होगा, तो इसमें आप ज़्यादा ध्यान ना दें। सर, जैसे नारायणपुर में जैसे टीकाकरण किया जाएगा, इसमें कितने ग्राम पंचायत वगैरह ली गई हैं नारायणपुर CSC में, कितने PSC वगैरह ये लिए गए हैं इसमें, जैसे टीकाकरण को लेकर? जैसे अभी देखिए, जो जनरल पॉपुलेशन है उसके लिए अभी कोई चिन्हित नहीं किए गए हैं। अभी जो मेडिकल स्टाफ है उसको, मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को चिन्हित करके ये टीकाकरण की योजना बनाई गई है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगी उसमें जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो आपको बताया जाएगा, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए लिया जाएगा तो बताया जाएगा। सर, अगर जैसे आम फर्स्ट में आप बता रहे हैं कि स्वास्थ्यकर्मी वगैरह को टीका लगाया जाएगा, सेकंड स्टेप में जो पेशेंट बुजुर्ग वगैरह हैं, जो पेशेंट्स वगैरह हैं, बीमार लोग हैं, उनको लगाया जाएगा। अगर जैसे लोग टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने का क्या प्रोसेस है इसका? जैसे इसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम, आप ID लेके आनी पड़ेगी, जो आप जो वोटर ID होती है, जो पेशेंट की जो ID होगी नॉर्मल, वो ID दिखानी है उसको। रजिस्ट्रेशन हमने अलग से टीकाकरण कक्ष में रजिस्ट्रेशन वो पंजीकृत जगह बनाई है, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसका ऑनलाइन अपडेट हो जाएंगे, टीकाकरण लगेगा। सर, बात करते हैं अपन टीका किस समय लगाया जाएगा और किस किस वार को जैसे टीकाकरण, कोविड का टीकाकरण किया जाएगा, जैसे ये भी थोड़ा सा देखिए। अभी जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है उसमें हमने वार डिसाइड कर रखे हैं। अभी जो संभावित वार अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है, उसकी निश्चित तिथि होगी, उस तिथि को लगाया जाएगा और नेक्स्ट अपडेट जो आएगी वो ज़रूर आपको बताएंगे उसका। सर, जैसे कोविड का टीकाकरण करने के बाद क्या सावधानियां वगैरह बरतना पड़ेगा जैसे इन लोगों को? देखिए, टीकाकरण ये बाजू पे लगाया जाएगा, जो भाव होती है वहाँ पे, उसमें कोई ऐसी बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल टीकाकरण जैसे टिटनस के इम्यूनाइजेशन होते हैं और बच्चों के टीके लगते हैं, वैसे सेम वैक्सीन वैसी ही है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी सेम उन्हीं वैक्सीन की तरह आ रहे हैं, जो मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई इतनी मेजर सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है। सावधानी के लिए हमने एक निगरानी कक्ष अलग से रखा है, वैक्सीन जब लग जाएगी उसके बाद आधा घंटे हम उस पेशेंट को बिठाएंगे वेटिंग कक्ष में, निगरानी कक्ष में। अगर कोई मेजर साइड इफेक्ट आता है तो हम 24 आवर्स यहाँ अवेलेबल हैं, वहाँ उनको उसी टाइम ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो ज़्यादा इसमें कोई घबराने की बात नहीं। कोविड टीकाकरण के लिए कितनी टीमें वगैरह या किस तरह की टीमें वगैरह गठित किया जैसे? सर, हमारे जो योजना, हमारी आशा बहन जी हैं, ANM बहन जी हैं जो सेक्टर में काम कर रही हैं, उनकी उनको समझा दिया गया है, उनको ट्रेंड कर दिया गया है और आगे की योजना के बारे में बता दिया गया है। तो जैसे ही स्टाफ को और डॉक्टर्स को टीकाकरण लगा दिया जाएगा, उसके बाद ग्रामीणों के लिए वो जाके उनको समझाएंगे, बताएंगे क्या होता है उस हिसाब से। सर, ग्रामीणों को टीका, कोविड टीका के लिए कितना और समय इंतज़ार करना पड़ेगा जैसे?
देखिए, संभवतः अभी तो मेडिकल डिपार्टमेंट के लग रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी मैंने आपको बताया वो सीनियर सिटीजन गंभीर बीमारी के लोग हैं उनके लिए है। अब उसके बाद नेक्स्ट देख, संभवतः जल्दी ही इसका हो जाएगा जब राज्य सरकार के दिशानिर्देश काम होंगे। टीका वगैरह जो लगेगा वो कुछ पैसे वगैरह लगेंगे या फिर निःशुल्क लगेगा? बिल्कुल, ये राज्य सरकार की योजना में शामिल है और इसको बिल्कुल निःशुल्क लगाया जाएगा, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये थे हमारे साथ नारायणपुर चिकित्सा प्रभारी इंद्रदेव यादव, जो कोविड टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो बता रहे हैं कि जल्दी इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा सरकार के द्वारा और पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा, उसके बाद जो गंभीर बीमारी बुजुर्ग लोग हैं उनको ये टीका लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।